आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले के कारण फैली दहशत। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिवार को देंगे 1 करोड़। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सियासी घमासान, जेएनयू और जामिया में होगा प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में होगी हम सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने दागी 6 गोलियां। पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए होगा बोर्ड का गठन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2067 मामले सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 1245 केस मिले थे, यानी बीते 24 घंटे में करीब 65% केस बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 1547 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 163 मामले दर्ज किए गए हैं। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गया था, जिसको अब पकड़ लिया गया है और आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां अवैध तरीके से संचालित नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया है। वहीं शौरतगढ़ में उप जिला अधिकारी उत्कर्ष श्रीवास्तव की अगुवाई में छापेमारी की गई। आपको बता दें कि इस छापेमारी में 3 अस्पतालों को अवैध मानते हुए उन्हें सीज कर दिया गया है। इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जिलाधिकारी महोदय, साथ में क्षेत्राधिकारी महोदय, सारे लोग थे। हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को जब अतिथि को देखा, उसमें एक्सरे कक्ष में कोई लैब एक्सरे टेक्नीशियन नहीं पाया गया। साथ में कोई भी दस्तावेज संबंधित नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक हॉस्पिटल रमापुर तिवारी में, ममता हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी कोई दस्तावेज वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं मिला। उसको हमने सीज किया है। साथ में सूरतगढ़ में एक हॉस्पिटल है जनहित करके, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और वर्तमान समय में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां लालगंज मार्ग पर बलेहमाऊ पुलिया के निकट दो बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, साथ ही 2 लोगों की हालत भी गंभीर है, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पिकअप के द्वारा कांस्टेबल पुलिस ने 3 लोगों को लाया, जिसमें कि एक तो लावारिस स्थिति में था और 2 की जान पहचान हो पाई। 3 में से 2 की स्थिति नाजुक थी, 2 को जिला अस्पताल के संदर्भित किया है। खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं आनंद फानन में परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां जहरीला पदार्थ खाने से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर क्या वजह रही जो युवक ने जहरीला पदार्थ खाया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही सूचना पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। ये हमारे पति। क्या नाम है इनका? पंकज। क्या मामला है, जहर खुलाने का कैसे क्या है? हमें कुछ नहीं मालूम, गाड़ी से गए थे, कहीं से आए और बस लैटिन गए हैं, बस इतना जानते हैं। हॉस्पिटल आई हो, डॉक्टर ने क्या बताया?
ये बताया कि नशीला कोई पदार्थ था दे रही तो यहाँ पर इलाज करेंगे या रेफर कर दिया? रेफर कर दिया। एक्चुअली में सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, अभी पता नहीं क्या चीज़ खाया है लेकिन जो अंडर इफेक्ट में है। और पंकज नाम का व्यक्ति है जो कि अभी अभी आया है हमारे पास, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। बलिया जिले के अलावलपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका अंजलि तोमर के आने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां शिक्षिका अंजलि तोमर ने विद्यालय के बच्चों के लिए ड्रेस बनवाई है। विद्यालय के बच्चों के लिए अपने पहले वेतन से 130 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म शिक्षिका द्वारा बनवाई गई है। आपको बता दें कि एक साल पूरे होने पर बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल भी दी जाती है। मुझे इस विद्यालय पर एक साल अप्रोक्स हो गया है, और जब मैं शुरू में कुछ दिन तो BSC ऑफिस में रहे, उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया तो थोड़ा व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, बच्चे काफ़ी कम थे, बच्चों को क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे तो मोहल्ला क्लास चलाई हमने। दो गांव से मेरे स्कूल पे बच्चे आते हैं, तो मैंने दोनों गांव में जाके, हम सभी अध्यापक कुछ दूसरे गांव में जाते थे, हम दूसरे गांव में जाते थे, दोनों गांव में जाके हम लोगों ने बच्चों को, उनकी फैमिली को मोटिवेट किया मोहल्ला पाठशाला से। पिछले लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे नामांकन भी काफ़ी ज़्यादा थे हर बार से, और उसके बाद जब मुझे अपनी पहला वेतन मिला तो मुझे लगा इन बच्चों के लिए, जिसकी वजह से पता नहीं किस किस की दुआओं की वजह से मुझे ये जॉब मिली है। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को IPL 2022 के 32वें मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की जीत में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अहम जिम्मेदारी निभाई, वहीं अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी की वजह से छाए रहे। अक्षर ने एक खतरनाक गेंद पर लिविंगस्टोन का विकेट लिया। उनके आउट होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। अक्षर की गेंद पर विकेट कीपर और कप्तान ऋषभ पंत ने लिविंगस्टोन को स्टंप किया। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने जिले का दौरा किया। इस दौरान सुनीता बंसल ने संयुक्त जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी कक्ष, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन जनरेट प्लांट और संयुक्त जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही सभी जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। थोड़ी कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को उन्होंने तुरंत दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने अस्पताल परिसर में खराब कैमरे को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को उन्हें दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो हैं वहाँ पर, बहुत सारी सुविधाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने UP के सभी हॉस्पिटल्स में सभी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है। कोई भी अगर कोई नेचुरल कैलमिटीज आती है या मरीजों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं सभी हॉस्पिटल्स में। और यहाँ भी मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत कमियाँ हैं छोटी मोटी जो जल्दी दूर कर दी जाएगी। यहाँ पे मैं OPD में गई हूँ, मैंने प्रसव कक्ष भी देखा है, लेबर रूम, इसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड कक्ष है वो भी देखा है, मैंने खबर फरुखाबाद से है, जहां तिकोना चौकी के पास व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने EO के दफ्तर का घेराव किया। शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज और अन्य अधिकारियों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष को समझाने की भी कोशिश की। हमारा मामला ये है कि अतिक्रमण अभियान जो इस समय चलाया जा रहा है, इसके विरोध में, क्योंकि रमजान भी चल रहे हैं और तारगे भी चल रही हैं, ऐसे में व्यापारी हमारा कुछ व्यापार कर पाएगा तो ऐसे में व्यापारी का हमारा व्यापार बाधित हो रहा है। आप 3 घंटे पूर्व में हमारी बात हुई थी, हमने सूचना दी थी कि आप बात कर लीजिए अधिकारियों से, नहीं तो आपका घेराव करेंगे। और मौके पर हम लोग इनका घेराव करे बैठे, पक्के पुल का एक व्यापारी हमारे साथ में, सारी दुकानें हमारी ये है कि अतिक्रमण अभियान को रमजान तक, ईद तक रोका जाए, और वहाँ का नाम आपका जो कदम चाल के चल रही है आज तक रोका जाए, क्योंकि जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके। लोगों की मांग है कि अतिक्रमण अभियान न चलाया जाए, ये ऊपर के अधिकारियों का, माननीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश पे चलाया जाए, तो इन लोगों को प्रतिनिधिमंडल जाकर के DM साहब से मिलना चाहिए।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूल बस में छात्र की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने डीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल चौथी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की बस में मौत हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद नाराज परिजनों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। उधर पुलिस ने स्कूल से जुड़े कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। अंकुर नेहरा, नेहरा जी क्या घटना हुई है? सर हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे बता रहे कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेके गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। चार के बच्चे के साथ क्या है मामला? ये आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि पाँचवीं का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसके आधे रट में। फरुखाबाद के रहने वाले कमालगंज सोसाइटी सचिव की कानपुर रोड पर याकूतगंज के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सचिव फतेहगढ़ कोऑपरेटिव बैंक की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस मामले की आगे की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। मदन पाल सिंह की देवी का नाम था, सिविल लाइन फतेहगढ़ से आने के बाद से मैंने जांच किया इनका, बाकी मशीन में भी लगा के देखा कि सांस नहीं चल रही है, पल्स कोई नहीं आ रही है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।